हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है समीर और मेरा नाम है अली। और आज के जो वीडियो हम रिएक्ट करेंगे, मई के लेटेस्ट इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग रील्स ड्रामा एक नंबर चल रहा, बिल्कुल ही खतरनाक किस्म मोड पे। पर हम जो है एपिसोड 7 करा ना पेपर, नहीं 8 करा, 8 का हाईलाइट एपिसोड 8 करा, वो आज अपलोड हो जाएगा। बाकी उसके बाद हम करेंगे मई के हाईलाइट्स, वही कर रहे हैं, हाईलाइट्स कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, मई की एडिट करेंगे। चैनल दूसरा होगा, वो हो रहा गरम समोसा, ये छोटा भाई 2.0 2.0 है बस। यहाँ पे भी यार, जैसे आपने वहां सपोर्ट करा ऐसे यहाँ सपोर्ट करो। अभी तो आज देखते हैं इनकी प्यारी प्यारी एडिट्स, क्योंकि एडिटर कम नहीं होते एडिटिंग करने में। तो भाई चलते हैं हमने वीडियो उस की ओर। 8वें हाईलाइट में तो देखा भाई ने जिद में शादी कर लेता, जिद में बात शादी की कर गया ना, लेता। मान आगे लेता, अब देखेंगे पर कहानी किस तरह बनती है। एडिट देखते हैं एडिट में किस तरह की है। हाँ सो 3 2 एंड स्टार्ट। Let's take a good, nice picture. उस दिन भी नहीं ले सकते। ऐसी क्या देखती है? तुम आज बहुत प्यारी लगी। Thank you. वो बच्चा? What are you doing here? क्या हुआ? मुझसे निकाह करके मुझे स्टेज पे उसी तरह छोड़ के चला गया। मुझे कितनी एंबैरेसमेंट फील करनी पड़ी। उसका आईडिया भी ऐसे मेरे भाई की वजह से। ये क्या तमाशा हो रहा है? तमाशा तो मेरा बना हुआ है ना। तुम चलो बेटा, ये इनकी वेडिंग नाइट है। नो डैड, इफ इट्स आवर वेडिंग नाइट तो ये वेडिंग नाइट मुबशरा की भी। दिस इज रॉन्ग। मैं यहीं बैठी रहूंगी जब तक वो आएगा नहीं ना, मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं, इसी रूम में बैठी रहूंगी। Let it go, relax. अगर मेरा घर नहीं घुसा ना तो तुम्हारा भी नहीं घुसने दूंगी। वो बच्चा, What are you doing here? क्या हुआ है? समझता क्या है तुम्हारा भाई खुद को? और तुम लोग क्या समझते हो? अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए तुम लोग मुझे यूज करोगे? बच्चा, I would never do that. मुझसे निकाह करके मुझे स्टेज पे उसी तरह छोड़ के चला गया। और रुक सकती तो तुम्हारे सामने हुई है ना, पूरी दुनिया के सामने मुझे कितनी एंबैरेसमेंट फील करनी पड़ी है। तुम्हें उसका आईडिया भी है सिर्फ और सिर्फ भाई की वजह से। लिसन मुबशरा, आई एम सॉरी, लेकिन जो जैद ने किया, एक ही घर के अंदर भाई की बहन की है, एंड ट्रस्ट मी आई हैड नो आईडिया। ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे, तुम्हें सब कुछ पता था। रेयान, इन लोगों ने मेरे हमें से बेवकूफ बनाया है। ये क्या तमाशा हो रहा है? तमाशा तो मेरा बना हुआ है ना, देखे मुझे दुल्हन बनी, कभी इस घर तो कभी उस घर घूम रही हूँ सिर्फ उधर उसके भाई की वजह से। ये जो तेरी यारी है ये तो धोखेबाजी है, बातें पुरानी थी, दर्द अब भी जारी है। रखा कभी हमारा भरम नहीं, रखा कभी तुमने भी हमारा भरम। नहीं कोई हमारा, तू चला गया यहाँ से, सब मिट गया नजारा, तेरी खातिर मिला है हमें तो सारा। ये चैलेंज है इसके लिए भी, इसमें भी बड़ा है भाई कस्टर्ड वाला, ये से इतना हल्का मेरे नाल ले दे तीन मुंडा चलदा जाली, इक्को गल माड़ी बस चलदा फरार, बिल पुत ते परांदा तेरा करदा कमाली। फायर से इसके अंदर से रोने वाला नाजुक दिल है। तुम जानते हो ना कितनी पागल हूँ, जान से मार दूंगी तुम्हें और ना के मेरे मुझसे। तुम जानते नहीं हो कितनी पागल हूँ मैं, जानते नहीं हो कितनी पागल हूँ मैं, कितनी पागल हूँ। अर्ज में तू फलक है, फर्क है, फर्क है। नहीं तो हमारे नसीब में मगर ये नसीब हरे डाल बताया है आगे चल के अपन का तो एंड हो गया था ना, वो देखता थे।
मुबशरा तू महाज हाँ हाँ पागल हूँ पागल अगर उसमें ईगो है ना तो मुझमें उससे पड़ी किसको दिखाने के लिए जा रहे हो तुम्हें चलना है तो चलो नहीं तो जाकर ही वापस कर शादी की आवाज क्या है भाई समझ रखा है तुमने मुझे तुम्हारी नाकाम मोहब्बत की प्राइस मैं क्यों पे कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी डिवोर्स की प्राइस पे कर दोनों ही ऐसे हैं भाई अगर आज रात की फाइट ना होती ना तो इसका जवाब मैं देंगे कोई बात नहीं कल की फाइट करवा देते सही बात है ये चीज भाई अब सही मिला बंदा इसको जो बात है इसके लिए यही परफेक्ट है भाई वेक अप क्या मुसीबत है यार क्यों इतना शोर मचा रहा है सोने दो चलो हम यहाँ होटल रूम में सोने के लिए आए हैं उठो बाहर आईलैंड है मुझे घूमने जाना है बाहर गाड़ी खड़ी है जाकर घूमो चलो ये बंदा इसको चाहिए ऐसा ही चाहिए इसको पीछे के पुल पे कर दी क्या भाई पता नहीं क्या एसी बंद करा है मैंने लाइट खोल दी तुम्हारा ब्रेकफास्ट मैंने रूम में ही मंगवा लिया मुझे लगा शायद आसिफ अंकल को फेस ना कर सको इसलिए कुछ देर खामोश रह सकती हूँ लोग या मैं तुम मैं उन बीवियों की तरह नहीं हूँ जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर ले रमेश और ये क्या बीवी 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 लगा के रखती है मैं लिमिट्स में रहा करूँ बीवी ही हूँ तो भूल जाते हो उसे बार बार तुम्हें याद दिलाती हूँ नहीं मैं ये बात याद ही नहीं रखना चाहता क्या जवाब दे रहा भाई पंचिंग लाइन मार रहा है एंड में तो भाई दिल जीत लिया भाई ने कसम से ये तो मुक्का मारी हो जाएगी घर के अंदर तो भाई तो। देखो अब जो है ना इसको सही लड़का मिला सही बात बताऊ ना इसको ऐसा ही मिलना चाहिए था वो भाई था शरीफ सीधा साधा उसके नक्शों का दम पे चल रहा था ये तो एक अमीर भी नेक्स्ट लेवल पे नहीं तो ये तो मानेगा ही नहीं ना इसके बात है धमाधम फायरिंग कर रहा है फायरिंग करो और मेरे को लगता है यही सुधार सकता है 100% यही सुधार सकता है और कोई नहीं सुधार राइटर ने क्या लिखा है पर शादी की रात में कौन आके तंग करता अरे भाई? यार ये तो अपने भाई की अच्छा एक ही घर में बहन भी है बहन भी उतरी है मेरे को ये नहीं समझाया कि पहले का प्यार था इसके भाई का या वो भाई के साथ ही बहन के भी रिश्ता कर दिया मेरे को ही नहीं समझ नहीं ना अपन ने देखा तो है पिछले एपिसोड में घर में आती थी उसको पसंद था उसका भाई पसंद तो था लड़का की दोनों को पसंद नोट नहीं करा कि इसकी इनका चैप्टर नहीं था बहन का तो था नहीं तो मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि इसी की बहन है वो मेरे को इतना आइडिया नहीं था कम आई थी ना फ्रेम के अंदर इसलिए हम भूल गए भाई एडिट कमाल थी जो बात है भाई शादी की रात भाई बोल रहा था यहाँ तक ही पहुंच गई है वो तो सही है लेकिन इसने अपने बाप से क्या बात करी होगी किस बारे में जब वो पता चला होगा कि मेरे बाप ने इतना बड़ा खेल खेला है मेरे पीठ पीछे जब क्या बात करी होगी इसने यार वो देखेंगे वो तो ड्रामे में देखना पड़ेगा हाईलाइट के अंदर नौ में हाईलाइट पे आएंगे जब जाके हाईलाइट के अंदर देखना पड़ेगा पर हाईलाइट अगर आपको देखनी है मतलब उस एपिसोड का रिएक्शन वो आपको मिल जाएगा गरम समोसे चैनल पे जो हमारा मेन चैनल है ये है सेकंड चैनल उसका किसी का छोटा भाई तो भाई प्यारा सा लाइक और कमेंट ठोक देना अगर रील अच्छी लगी और रिएक्शन अच्छा लगा और अगर किसी और की चाहते हो रील का रिएक्शन तो वो भी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना और न्यू तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब मिलते हैं अगली वीडियो में गुड बाय।